नो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 2017, 18, 18, 19 और 19-20 के लिए बहुत सारी नोटिसेज जारी की गई हैं और इन नोटिसों के साथ साथ ऑर्डर भी काफी हद तक पास हो चुके हैं। 17, 18 के लिए तो लगभग सभी ऑर्डर पास हो चुके हैं, 18, 19 के लिए भी काफी ऑर्डर पास हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो जीएसटी में ऑर्डर पास होते हैं वो तो ज्यादातर DRC 07 के अंतर्गत पास होते हैं। वो DRC 07 बहुत हद तक मात्रा में इशू हो चुकी है। लेकिन अब जो आज मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूं और इसमें जो बातें आपको बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ये ऑर्डर पास हुए हैं ये ऑर्डर अब आगे जाकर के चैलेंज किए जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने मनमाने तरीके से अगर टैक्स लगाया है या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है तो ऑर्डर जरूर चैलेंज किए जाएंगे। अगर आपने सही ढंग से ऑर्डर पास किया है तो व्यापारी उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट करके टैक्स भी जमा कर सकता है। लेकिन अगर वो मनमाने ढंग से किए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चैलेंज किए जाएंगे, और जब चैलेंज किए जाएंगे तो आपको उन सारी परिस्थितियों को बताना पड़ेगा, किन आधारों को आपने लेकर के वो टैक्स या पेनल्टी लगाई है वो आधार आपको बताने पड़ेंगे और कोर्ट उस पर जरूर विचार करेगी। अभी कुछ मामले जो आए हैं उनके आधार पर मैं आपके सामने एक मैटर रखने वाला हूं कि कोर्ट इस तरीके के मामलों पे कैसा रुख अख्तियार कर रही है। कोर्ट ये जरूर देख रही है कि आपने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं व्यापारी के लिए तो उसी तरह से वो अधिकारियों को भी फॉलो करने हैं। व्यापारी ने अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं तो आपके हाथ में है कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी जो कुछ भी है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किए हैं तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति एक उत्पन्न हुई है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गुजरात हाई कोर्ट का मैटर है, इसमें क्या कहा उन्होंने, द गुजरात हाई कोर्ट हैज रिसेंटली डिमांडेड द प्रेजेंस ऑफ 3 सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट्स। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट के टॉप 3 यानी सीनियर 3 ऑफिसर्स हमारे सामने उपस्थित रहेंगे और उन्होंने उनसे क्यों उपस्थित रहने का कहा है, कौन सा ऐसा मैटर था वो आगे डिस्कस करते हैं। द इश्यू एट हैंड इज द क्रिप्टिक नेचर ऑफ नोटिसेस। देखिए, जो नोटिस इशू किए जाते हैं उनके बारे में कई हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी आ चुके हैं, क्रिप्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए, उसमें डिटेल्ड में सारी चीजें बताई जानी चाहिए कि आपने ये नोटिस किस बेस पर इशू किया है, क्या उसके आधार हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही लिख दिया कि हाँ भाई आप लेकर के आइए और बताइए, उसमें आपको रीजन देने हैं कि किन रीजन पे आपने विश्वास किया और उन रीजन के आधार पर इन नोटिस इशू किए हैं। तो यहाँ पर इश्यूड रिगार्डिंग द कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये जो मैटर है ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन और कैंसिलेशन को लेकर के है। अब उसमें क्या मामला उत्पन्न हो गया, द ऑफिशियल्स एश्योर्ड द हाई कोर्ट टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर ओवर द इश्यू एंड देन द कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ द मैटर। अब यहाँ ऑफिसर्स जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने हाई कोर्ट को एश्योर किया कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा और ये इशू रिजॉल्व कर लिया जाएगा और जो इसकी कंप्लाइंसेज हैं उनको पूरा किया जाएगा, जो गलती इसमें की गई है वो पुनः नहीं की जाएगी। अब देखते हैं कि मैटर क्या था। मैटर अ भावनगर बेस्ड फ्रॉम चैलेंज एंड ऑर्डर फ्रॉम द सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट भावनगर यूनिट विच कैंसल देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विदाउट अलाउिंग टाइम फॉर ए रेस्पॉन्स। मेन मैटर जो इसमें था वो ये था कि उसको रेस्पॉन्स करने के लिए प्रॉपर समय नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसी कारण से जब उसका रिप्लाई जो वहां सीजीएसटी कमिश्नर थे वो रिप्लाई उसका प्रॉपर नहीं दे पाए कि उसको समय क्यों नहीं दिया गया, इसलिए हाई कोर्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हुई और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि तीनों टॉप सीनियर ऑफिसर्स हमारे सामने उपस्थित रहें और इस चीज का एश्योरेंस दें और तब जाकर के, नहीं तो उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, ये बात उन्होंने कही।
आगे देखते हैं क्या कहा। द कंपनी वॉज एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई टू द नोटिस ऑन द सेम डे। कब रिप्लाई चाहिए था? सेम डे रिप्लाई चाहिए था। नोटिस ऑन द सेम डे इट वॉज रिसीव्ड, जब वो मिले उसी दिन उसका रिप्लाई भी चाहिए। प्रॉम्प्टिंग देम टू सीक रिलीफ फ्रॉम द गुजरात हाई, तो हाई कोर्ट ने तो उनको रिलीफ दे दी। लेकिन ड्यूरिंग द हियरिंग सुखजीत कुमार कमिश्नर ऑफ द भावनगर सीजीएसटी यूनिट स्टूड बिफोर जस्टिस भार्गव करिया एंड जस्टिस नीरल मेहता ऑन थर्सडे। द कोर्ट एक्सप्रेस इट्स फ्रस्ट्रेशन। देखिए क्या है, द कोर्ट एक्सप्रेस्ड इट्स फ्रस्ट्रेशन विद द डिपार्टमेंट्स फेल्योर टू फॉलो गाइडलाइंस ऑन प्रपोज्ड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉशन इट विल इश्यू कंटेम्प्ट नोटिस। यानी जो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर तरीका है, जो गाइडलाइन है, वो फॉलो क्यों नहीं की गई और क्या इसके लिए कंटेम्प्ट नहीं किया जा सकता है? तो कोर्ट उसके लिए कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने की बात कर रही है, यानी कि उसने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया है। और जो भी ऑफिसर्स हैं, जब वो ऑर्डर पास करते हैं तो उनको वो ऑर्डर बड़ी गंभीरता के साथ पास करना चाहिए, उनके रीजंस को प्रॉपर तरीके से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो कानून व्यापारियों के लिए है वो कानून अधिकारियों के लिए भी है। इसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर उनके ऊपर पेनाल्टी प्रोविजन किए जा सकते हैं, तो अगर आप गलत तरीके से इस जजमेंट को पास करते हैं, ऑर्डर गलत तरीके से करते हैं, तो आपके ऊपर भी पेनाल्टी प्रोसीजर हो सकते हैं या कंटेम्प्ट हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, जब भी कोई ऑर्डर पास करें तो उसके रीजंस जरूर देख लें और उसी के आधार पर पास करें। ये नहीं कहा जा सकता कि पेनाल्टी ना लगाई जाए, इंटरेस्ट ना लगाया जाए या टैक्स ना लगाया जाए, वो तो अगर लगना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जरूर लगेगा, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन का जो प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है वो जरूर किया जाए। जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी हमारे एक्ट रूल्स कह रहे हैं, जो भी हमारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशन कह रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सुना जाए, समझा जाए और ऑर्डर में ऐसी चीजें परिलक्षित भी होनी चाहिए। एक दो लाइन लिख करके ऑर्डर को पास करना कतई उचित नहीं है। ऑर्डर में पूरी चीजें एलोबरेट करनी चाहिए, कौन से सेक्शन के अंतर्गत नोटिस दी है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आप जो है उसके ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए और उसको प्रॉपर हियरिंग का मौका भी दिया जाना चाहिए। इस मैटर में तो जैसा कि देख रहे हैं कि सेम डे दिया गया है, तो सेम डे रिप्लाई कैसे पॉसिबल है? तो इसी तरीके से जो भी कार्य किए जा रहे हैं ऑर्डर के संबंध में, उनको बड़ी समग्रता से देख करके समझ करके ही करने चाहिए। और आगे चूंकि ये बहुत सारे ऑर्डर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा DRC 07 आ रहे हैं, वो आगे चैलेंज जरूर किए जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही ऑर्डर अगर पास किए जाएंगे तो अधिकारियों के लिए भी अच्छा है और व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब ऑर्डर सही तरीके से पास होंगे तो दोनों को ही लाभ रहेगा। थैंक यू।